हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 2020 असिस्टेंट मैनेजर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं इसमें हिंदी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो इसका एग्ज़ाम आएगा असिस्टेंट मैनेजर का एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, उसमें हिंदी चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स में मिल जाएगा, जो चैप्टर वाइज चैप्टर कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, किस क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, चेक कर लेना उस वीडियो को। एंड फ्रेंड, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है एचपी कोऑपरेटिव बैंक में, इसमें आज एच बैंकिंग और एचपी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दोस्तों मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन कर पाऊँ। दोस्तों चलो शुरू करता हूँ। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम में। वो हुई थी 1935 में, हिमाचल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का की स्थापना हुई थी। जो करंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, ये भी आ सकता है कि करंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, वो है शक्तिकांत कंता दास जी। शक्तिकांता दास जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, कब हुई थी रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना, वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, और नेशनलाइज्ड किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो किया गया था 1949 में, ठीक है। 1949 में कोई भी जो नेशनलाइज्ड मतलब राष्ट्रीयकरण का मतलब कोई भी जो निजी निजी कोई है, जैसे निजी बैंकिंग है, कोई भी है जो हर लोगों के लिए खुला नहीं हो, उसको सार्वजनिक कर देना, मतलब कि वो अब हर लोगों के लिए उसमें वर्क किया जाएगा, हर लोग इसमें काम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं नेशनलाइजेशन, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, निजी से उसे सार्वजनिक कर दिया गया, उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। इसको भी याद रखना है, दो चीजें यहाँ से बनती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं आप। जो सर ओसबोर्न स्मिथ थे वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया। जो सर ओसबोर्न स्मिथ थे वो पहले गवर्नर थे, पर वो एक ब्रिटिश गवर्नर थे, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है, गवर्नर थे, पर वो फर्स्ट गवर्नर थे। जैसे आपको क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो वो होगा सर ओसबोर्न स्मिथ, पर वो ब्रिटिश गवर्नर थे। जो भारत के पहले गवर्नर बने थे आरबीआई में, वो थे सीडी देशमुख जी बने थे। सीडी सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन गवर्नर थे। सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना। और जो आरबीआई की रिकमेंडेशन, आरबीआई वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन, ये भी याद रखना है, किसकी सिफारिशों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया गया था। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। जो रिजर्व बैंक वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। एक मतलब कि एक वो बनाई गई थी, क्या होती है, एक कमीशन बनाया गया था, उसके तहत हिल्टन यंग कमीशन के तहत ही सिफारिशों के आधार पर ही आरबीआई की एक नींव रखी गई थी। ये भी याद रखना है कि किस कमीशन के आधार पर, किस किस सिफारिशों के आधार पर बनाई गई थी, वो थे हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी इन इंडिया, ये भी पूछा गया था स्टेट एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। क्या क्वेश्चन है देखिए, भारत में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन था, वो था इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा आईसीआईसी बैंक ने की थी, ठीक है, आईसीआईसी बैंक ने स्थापना की थी। मैं इनकी सभी के फुल फॉर्म लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पैटर्न व्यू से, ठीक है। आईसीआईसी बैंक क्या है, ठीक है, आईसीआई बैंक ने किसकी की थी, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान की थी, ठीक है। और बंगाल बैंक था जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था उस समय था बंगाल बैंक, ठीक है, 1784 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने फर्स्ट बैंक था टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम, जो चेक सिस्टम प्रोवाइड किया था 1784 ईस्वी में, वो था बैंक बंगाल बैंक ने फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम। ये भी आ सकता है चेक सिस्टम, मैं पूरा डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, चेक सिस्टम किसने
इंट्रोड्यूस किया था वो था बंगाल बैंक, बंगाल बैंक। और आईसीआईसी बैंक वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। जो आईसीआईसी बैंक था वो फर्स्ट बैंक था जिसने इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। वो फर्स्ट बैंक एटीएम इन इंडिया जो प्रोवाइड किया था वो था हांगकॉन्ग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन ने 1987 में मुंबई में एटीएम की सुविधा प्राप्त की थी भारत में। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया वाज एचएसबीसी इन 1987 मुंबई। जो क्या कहना, तो जो एचएसबीसी बैंक था, हांगकॉन्ग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन था, 1987 ईस्वी में फर्स्ट उन्होंने भारत में एटीएम की सुविधा प्रदान की थी। इन्होंने पहला इंट्रोड्यूस किया था एटीएम भारत में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट पब्लिक बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड। भारत में जो क्रेडिट कार्ड की सबसे पहले सुविधा दी थी वो थे सेंट्रल बैंक ने दी थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक ने क्रेडिट कार्ड की सबसे पहले सुविधा भारत में किसने प्रोवाइड की थी, वो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, डेबिट कार्ड में क्या होता है, पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है फिर आपको कोई सामान मिलता है, पर क्रेडिट कार्ड में ये होता है आपको बाद में पेमेंट करनी है पर आपको पहले सामान मिल जाता है, वो थोड़े इंस्टॉलमेंट में पैसे कटते रहते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाई, जो भारत में इंश्योरेंस कंपनी वर्क करती है वो किसके थ्रू रेगुलेट की जाती है, किसके थ्रू वर्क की जाती है, वो है, ठीक है, किसके थ्रू की जाती है, IRDAI एक्ट के थ्रू रेगुलेट की जाती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेट अप एज ऑटोनोमस बॉडी अंडर द IRDA एक्ट 1999। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। जो भी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में, ठीक है, और रेगुलेट की जाती है IRDAI के थ्रू और प्रमोट भी इनके थ्रू की जाती है, वो वह इंश्योरेंस कंपनी हो या री इंश्योरेंस कंपनी हो। एग्जाम्पल के तौर पर अदर कंपनियां जो प्रोवाइड करा रही है, जो बैंकिंग सेंटर में साथ में कई कंपनी जो इंश्योरेंस ही प्रोवाइड कराती है, पर कई बैंक है वो इंश्योरेंस भी अब प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, SBI भी करवा रही है HDFC, तो उसको भी रेगुलेट करती है ये IRDAI। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनियन बजट विच इज प्रेजेंटेड एवरी इन द पार्लियामेंट इज नोन एज, जो यूनियन बजट प्रोवाइड होता है पार्लियामेंट में उसको क्या कहा जाता है, वो होता है जनरल बजट के रूप में उसे जाना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया, हाउ मैनी स्टॉक एक्सचेंज प्रेजेंटली वर्किंग इन इंडिया, वो है टोटल 23 वर्क कर रहे हैं, वैसे तो 21 है प्लस 2 है जो नेशनलाइज वर्क कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, टोटल देर आर, याद रखना 23 है, ठीक है, 23 याद रखना है, जैसे 23 ना दिया हो तो 21 लगाना, वैसे टोटल 23 है। हाउ मैनी स्टॉक एक्सचेंज प्रेजेंटली वर्किंग इन इंडिया, वो है 23। देर आर 23 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, टोटल कितने, 23 स्टॉक एक्सचेंज है। अमंग द टू नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज वो है BSE और NSE। ठीक है, 21 प्लस 2 जो 2 है वो नेशनल लेवल पर वर्क करते हैं, वो है BSE और NSE, टोटल 23 हो गए। ठीक है, BSE की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE की होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये इंपॉर्टेंट है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है जो बड़े वर्क कर रहे हैं, बड़े हाई लेवल पर वर्क कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आल्सो नोन एज BSE 30, इसे BSE 30 के रूप में भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश्ड हुआ था, वो हुआ था 9 जुलाई 1875 को ये एस्टेब्लिश्ड किया गया था। हेडक्वार्टर है ये मुंबई दलाल स्ट्रीट में, इसका हेडक्वार्टर है। CEO की बात करूँ तो मिस्टर आशीष चौहान जी इसके CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, मिस्टर आशीष चौहान याद रखना, वो फाउंडर थे इसके मिस्टर प्रेमचंद रोयजन, इसके जो फाउंडर है, मतलब कि इन्होंने ये शुरुआत की थी इसकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है। फीचर्स BSE के, एक तो ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था, सिक्स्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, सिक्स्थ एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, NSE की बात करूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
आपको याद रखना है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसे ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट के नाम से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में मतलब कि मशहूर है, ठीक है, मतलब फेमस है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट। अब चलते हैं NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ था एस्टेब्लिश 1992 में मुंबई में, हेड क्वार्टर इसके CEO श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जिसके CEO हैं, और MD, जैसे CEO ना हो तो MD जो हैं उनको भी CEO का, भारत दो है ठीक है, MD भी है, CEO है विक्रम लिमाया जी भी इसके MD एंड CEO है, ठीक है, दो CEO हैं इसके NSE के। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ट्राई, ट्राई का आपको पता होगा, ट्राई ने जियो पर भी बहुत सारे लगाए थे पिछले 2017 में, कि एयरटेल वाले और सभी बैंकों जो भी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री उन्होंने केस किया था ट्राई के थ्रू। ट्राई ने बोला था आप इतना सस्ता क्यों दे रहे हो, फ्री में क्यों दे रहे हो, पैसे के थ्रू दो, तो उन्होंने केस किया, तो ट्राई के थ्रू हुआ था। जो भी ट्राई इन चीज़ों पर ध्यान रखती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 20 फरवरी 1997 को, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये बना है ट्राई एक्ट 1997 के थ्रू। चेयरपर्सन है राम सेवक शर्मा करंटली, और हेडक्वार्टर है महानगर दूर संचार भवन जवाहरलाल नेहरू मार्ग ओल्ड मिंटो रोड न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, न्यू दिल्ली याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड ऑन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेड कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 में, सॉरी 1 जुलाई 1955 में, सी इसका आंसर होगा, 1 जुलाई 1955 में इसकी फाउंड किया था, स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन है इसके करंटली रजनीश कुमार जी, इसके चेयरपर्सन है, याद रखना है आपको, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ नोएडा भी पूछी गई थी, वो है फुल फॉर्म नोएडा की होती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी याद रखना है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा की फुल फॉर्म है। नोएडा जो नोएडा गुड़गांव में दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, यूपी में, यूपी में है नोएडा, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। अब करते हैं जो GK पार्ट आया था, HPG के पार्ट, उसको करते हैं। स्पीति को लद्दाख से कौन सा पहाड़ी दर्रा जोड़ता है, स्पीति को लद्दाख से कौन सा पहाड़ी दर्रा जोड़ता है, वो होगा कांगला, कांगला पास कनेक्ट्स लाहौल स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जास्कर रेंज इन लद्दाख, ठीक। कांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति, लाहौल स्पीति और लद्दाख में जास्कर रेंज को जोड़ता है, ठीक है, किससे जोड़ता है, जास्कर रेंज से जोड़ता है, ये भी याद रखना है। जो कांगला दर्रा, ठीक है, कहाँ पे जोड़ता है, लाहौल स्पीति और लद्दाख को जास्कर रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से शिमला जिला किस स्थान पर, दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आए तो नोट्स के रिगार्डिंग हो तो इस पर व्हाट्सएप कर दें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलो चलते हैं आगे। शिमला जिला किस स्थान पर हर्बल गार्डन है, शिमला जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन है, एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इन हर्बल गार्डन, वो है आपको पता ही होगा, ज़्यादा बताने की भी बात ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से, वो है धूमरेड़ा में, ठीक है, कहाँ पे है, एक मिनट, ठीक है, इसका होगा आंसर ए धूमरेड़ा, जो रोहडू में पड़ता है। आयुर्वेदिक जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा है सेट अप 4 हर्बल गार्डन एंड 33 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इन द स्टेट, ठीक है, टोटल 4 हर्बल गार्डन है और हिमाचल प्रदेश में 33 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं इन द स्टेट, ठीक है। द गार्डन आर जोगिंदर नगर में है, नेरी हमीरपुर में है, धुमेरा रोहडू शिमला में पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट एंड जुंगल थलेरा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये याद रखना है। किस स्थान पर शिमला जिले में सरकार भेड़ प्रजनन फार्म है, एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है, वो इसका आंसर होगा जो इसमें है, ठीक है, 0A। अब देर आर 3 शीप ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल प्रदेश, जो टोटल 3 ब्रीडिंग फार्म है, शीप ब्रीडिंग फार्म है हिमाचल प्रदेश में, कि 0A जो शिमला में जो मैंने आपको ऊपर बताया, ताल इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और सरोल चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे चलता हूँ, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में त्रिबेड फार्म है जो शिमला जिले के जोरी में स्थित है, हमीरपुर जिले में ताल और चंबा जिले में सरोल में है। किस स्थान पर? बिलासपुर जिले में 2015-16 के दौरान एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण स्थान ITI को कार्यात्मक बनाया गया, ठीक है। एट विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP ए वुमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैज़ बीन मेड फंक्शनल ड्यूरिंग 2015, खोला गया था, मतलब वुमेन के लिए बनाया गया था। ये था भरेरी वुमेन ITI थी जो 2015-16 में खोली गई थी वुमेन्स के लिए। कहाँ पे? भरेरी में वुमेन ITI इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI वुमेन इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर ऑफ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश स्टेट प्रोविनेंस इन इंडिया, ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आयुर्वेदिक प्रशिक्षण संस्थान ITI महिला भारत, ये तो वो भी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा सेटअप हर्बल गार्डन, ये तो फिर से आ गया, अब ये जोगिंदर नगर में, ठीक है। एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है वो है जोगिंद हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा सेटअप हर्बल गार्डन, वो होगा फोर्थ, जोगिंदर नगर में सेट किया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा है सेट द हर्बल गार्डन एट जोगिंदर नगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता? प्रथम विश्व युद्ध में इसका ए होगा जमादार लाल राम जी ने जीता था। भोरंज हमीरपुर जिले के स्वर्गीय जमादार लाल राम हिमाचल प्रदेश के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस भी जीता था, जो भोरंज के से हमीरपुर जिले से संबंध रखते थे और उनका नाम था स्वर्गीय जमादार लाला राम, हिमाचल प्रदेश के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। 1914 से 1918 तक हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दर्शाई गई वीरता के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? इसका आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा, भारत के प्रथम वीर चक्र विजेता थे। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। भारतीय सेना की कौन सी रेजिमेंट से? कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। उन्होंने 3 नवंबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। इस मिशन का नाम था कश्मीर ऑपरेशन, ठीक है, कश्मीर ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। परमवीर चक्र पाने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर में आया, शायद इस बार भी आ जाए, क्या होता है इससे आपकी एक पता लगता रहता है आपका कौन सा किस तरह से एग्जाम आएगा पैटर्न। हिमाचल प्रदेश के पहले महावीर चक्र विजेता कौन थे? वो थे डी कर्नल कमान सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के प्रथम महावीर चक्र विजेता थे। ठीक है, कर्नल कमान सिंह, इंदौर नूरपुर, ठीक है, इंदौर नूरपुर कांगड़ा के लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह हिमाचल प्रदेश के प्रथम महावीर चक्र विजेता थे। उन्हें ये पुरस्कार दिखाई गई बहादुरी के लिए प्रदान किया गया था। उनका संबंध 3 गढ़वाल राइफल से था, है जो भी है। द्वितीय विश्व युद्ध में किस हिमाचली को विक्टोरिया क्रॉस मिला? वो थे सी सूबेदार मेजर भंडारी राम जी को मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमाचली को विक्टोरिया को, वो थे सूबेदार मेजर भंडारी राम जी को मिला था, सी इसका आंसर होगा। जो घुमारमी बिलासपुर के रहने वाले थे उन्हें ये पुरस्कार 1939 से 1945 के मध्य हुई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दर्शाए गए अदम्य साहस के लिए प्रदान किया गया था। किसके लिए? घुमारमी और बिलासपुर के रहने वाले थे। 1945 के हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी एक वीरता दिखाई थी, साहस बताया था, लड़े थे वो, तो उसके लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश के राज्य फोरेंसिक लैब की स्थापना कब हुई? वो है सी 1988 को हुई थी। 1988 को हिमाचल प्रदेश राज्य फोरेंसिक लैब की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य फोरेंसिक लैब जुग्गा में स्थित था। इसकी स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य फोरेंसिक लैब है कहाँ है? जुन्गा
में स्थित था, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। श्री बी आर शर्मा इसके पहले निर्देशक थे। इसके अंतर्गत दो क्षेत्रीय केंद्र, एक तो है धर्मशाला और मंडी भी कार्य कर रहे हैं, इसके अंतर्गत ही आते हैं दो केंद्रीय क्षेत्र, वो हैं मतलब इससे रीजनल कैंपस समझ लीजिए धर्मशाला और मंडी है में है। हिमाचल के पहले वीर चक्र विजेता कौन थे? वो थे वीर चक्र विजेता थे वो थे हवलदार तोपके जी, हवलदार तोपके जी थे। हवलदार तोपके लाहौल स्पीति से संबंध रखते थे। इनका संबंध 8 डोगरा रेजिमेंट से है। इन्हें ये पुरस्कार जुलाई 1948 में दिखाई गए अदम्य साहस के लिए दिया गया था, जो हवलदार तोपके लाहौल स्पीति से संबंध रखते थे। जो हवलदार तोपके थे वो लाहौल स्पीति से संबंध रखते थे, उनका संबंध 8 डोगरा रेजिमेंट से है। उन्होंने ये पुरस्कार जुलाई 1948 में दिखाए गए अदम्य साहस के लिए दिया गया था। विच फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम अनालेड? 1888 में अनाडेल से किस प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी? वो है सी दुरंत कप की शुरुआत हुई थी। दुरंत कप की कहाँ से शुरुआत हुई थी 1988 में, ठीक है, अनाडेल से किस प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी? वो था दुरंत कप। किससे संबंध रखता है? फुटबॉल से संबंध रखता है। दुरंत कप वॉज स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम अनाडेल, ठीक है। द टूर्नामेंट इज नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर सर मोर्टिमर दुरंत, फॉरेन सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ इंडिया 1884 से 1894। क्या कहने वाला हूँ सुनिए, जो डुरंड कप की शुरुआत हुई थी 1888 में अनाडेल से हुई थी। टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक सर मोर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया था, जो 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। किनके नाम पर रखा गया था? सर मोर्टिमर डुरंड के नाम पर ही ये डुरंड कप का नाम रखा गया था, और ये 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव भी रहे हैं। कुल्लू राजाओं, ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी कौन सी थी जहां से कुल्लू राजाओं की 12 पीढ़ियों ने शासन किया था? वो है जगत सुख में कुल्लू राजाओं की राजधानी से जो कुल्लू की 12 पीढ़ियों ने शासन किया था। क्या पाल राजाओं ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शासन किया था? ठीक है, पाल राजाओं ने कहाँ किया था? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शासन किया था। उनकी राजधानी जगत सुख थी जहाँ कुल्लू राजाओं की 12 पीढ़ियों ने क्या किया था? शासन किया था। कुल्लू और लाहौल पुस्तक के लेखक कौन है? कुल्लू और लाहौल पुस्तक के लेखक कौन है? वो है सी जी ब्रूस जी, याद रखना है। कुल्लू और लाहौल पुस्तक के लेखक हैं जो कुल्लू और लाहौल ने सी जी ब्रूस शुरुआती किताबों में से एक है, जो कुल्लू एंड लाहौल बाय सी जी ब्रूस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक, ठीक है। एंड विशेष रूप से उन लोगों की जो 1900 के दशक में भारत वापिस आए थे, ठीक है। और ये 1 जनवरी 1914 का कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। 1 जनवरी 1914 को एक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। कप्तान आरसी ली ने कुल्लू क्षेत्र में एक सेब का बाग किस वर्ष स्थापित किया था? नेक्स्ट कौन है? अराउंड विच ईयर डिड कैप्टन आरसी ली सेट अप एन एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू एरिया, ठीक है, बाग जो होता है, ठीक है, सेब का बाग आरसी ली ने कुल्लू क्षेत्र में कब किया था स्थापित? वो है 1870 एडी में स्थापित किया था। क्या कुल्लू के सेब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? ये आपको पता होगा। उन्होंने ब्रिटेन से सेब प्राप्त किए, ब्रिटेन से लेके आए थे, ठीक है, और वर्ष 1870 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पे कुल्लू में बाग स्थापित किया था। आपको पता होगा ये वेरी फेमस है, आपको बताया होगा बाहर कुल्लू में सेब बड़े फेमस है हिमाचल प्रदेश के, एंड सेकेंड है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। किस वर्ष के आसपास रूसी चित्रकार निकोलस रोर की पहली बार कुल्लू जिले के नगर आए थे? किस वर्ष? अराउंड विच ईयर डिड रशियन पेंटर थे, ठीक है, निकोलस रोरिक विजिट नगर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? वो थे बी होगा 1923 में वो फर्स्ट टाइम आए थे, याद रखना।
आदि ब्रह्मा मंदिर खोखन की पुरातात्विक शैली क्या है? व्हाट इज द आर्कियोलॉजिकल स्टाइल ऑफ आदि ब्रह्मन टेम्पल खोखन? वो है पगोडा शैली पर संबंध रखती है। ठीक है, आदि ब्रह्मन टेम्पल डेटिंग बैक टू द 14th सेंचुरी। आदि ब्रह्मन मंदिर जो 14वीं शताब्दी का है खोखन गांव में कुल्लू से, ठीक है, 14वीं शताब्दी का है खोखन गांव से कुल्लू से 12 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे? खोखन गांव में, जो कुल्लू से 12 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि इस 4 मंजिला के साथ पगोटा शैली में निर्मित इस मंदिर को पूर्ण होने में 10 साल। ये पगो मतलब कि ये पगोटा शैली से निर्मित है, पगोटा शैली पर बना हुआ, ठीक है, और इसको बनाने में 10 साल लगे थे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी नोट्स के रिगार्डिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे व्हाट्सएप करें, जिससे आपकी कोई भी क्वेरी हो इजीली मैं सॉल्व कर पाऊँ। बाय बाय।